सारा सब यहाँ ला के रखा हुआ है, क्योंकि वही रूम में सोएंगे। इधर तो एक पंखा से काम चलने वाला है नहीं गाइस, नहीं जा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप यू कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी की हुआ गाइस, तो इतना ज्यादा गर्मी की आदमी इतना ज्यादा पसीना चल रहा, आप लोग देख सकते कि कितना ज्यादा भीगे हुए हम। और नाइट का समय हो रहा है, तो रूम का आप देख सकते हैं कि हालत किस टाइप से हुआ है। एक ही एसी, इसलिए सारा रूम का बेड उड खोल करके हम लोग हटा दिए हैं यहाँ सोने के लिए। तो इधर देख सकते हैं मिस्टी भी यहीं पे है, और इधर सेरा भी पंखा का हवा खा रहा, और इधर गद्दा उद्दा सब यहाँ पे रखा हुआ है गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा रूम का हाल कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे रूम का जो है बेड का जो सारा सामान है सारा यहाँ पे रख दिए गाइज, देख सकते हैं आप लोग भी। और इधर जो फर्स्ट रूम का जितना भी सारा सामान था गाइज, सारा सब यहाँ ला के रखा हुआ है, क्योंकि वही रूम में सोएंगे। इधर तो एक पंखा से काम चलने वाला है नहीं गाइज, इतना ही ज्यादा गर्मी किया हुआ है, रोटी बनाना पॉसिबल नहीं इतना फैमिली के लिए। तो इधर आलू सिझा करके छील के रख लिए गाइज, और इधर टमाटर पका रहे हैं, और ये दूध चढ़ा हुआ कल के लिए दही। और इधर हमारे घर में नाइट में बना हुआ अमर सटकी और आलू टमाटर का चोखा। तो इधर समर है, तो समर गर्मी किस टाइप से किया हुआ है? बहुत हार्ड गर्मी किया हुआ है। और तुम दिन भर में कितना बार नहाएगा? चार बार। और तुम दिन भर नहाएंगे, पानी रहेगा तो पिलाएंगे। तो गाइज इधर देख सकते हैं मिस्टी का भी बुरा हाल हो गया है गर्मी से, और इधर सेरा का तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि 24 घंटा एसी में रहने वाला ये। इधर दीदी आलू टमाटर का चोखा लगा दे रही, जल्दी जल्दी हेल्प कर दे रही मेरा। हमारे घर में खाना पीना बन गया, रात का समय हो रहा था। इधर मिस्टी खाना खा रही है, क्या खा रही है मिस्टी? खा रहा अमर चटकी। इधर दीदी खिला दे रही है अमर चटकी वांस को। युवांस इधर देखो, भगवान का कसम की। तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी किया हुआ था, अचानक मौसम गया बदल और बहुत ज्यादा हवा हवा चलने लगा, हल्का बारिश भी होने लगा। भगवान को हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम महसूस हो रहा है, इसलिए इतना ज्यादा हवा चल रहा और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो आज थोड़ा सोने में शायद मजा आएगा। बहुत ज्यादा बारिश होने लगा, इधर दादी घर में घुस गई, बोले बारिश हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है। तो इधर देख सकते हैं मौसम कि अचानक से पूरा बारिश उरिश होने लगा, बिजली भी गड़कने लगा। इधर मम्मी भी बैठ के थोड़ा हवा ले रहे हैं। तो इधर मम्मी के साथ भी सेरा रहना पसंद करता है। मिस्टी इधर देखो, गाइस पत्थर भी गिर रहा, पत्थर भी गिर रहा है। तो गाइस इधर पत्थर भी गिर रहा है और बहुत ज्यादा मलक भी रहा है। तो नाइट के समय में आप लोगों को दिखेगा नहीं उतना। तुम्हें कैसा लग रहा मिस्टी? अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है। हाँ, पत्थर हो गया, बहुत क्यूट लग रही है। हाँ, तुम डोरी है डोरी। तो गाइस इधर युवांश अपना पापा के साथ है। युवांश इधर देखो, आज इसको भी अच्छा लगेगा, युवांश को भी। तो गाइस सेरा को भी चाहिए स्पेशल कुर्सी, तो सेरा भी यहाँ बैठ गया है। तो समर इधर अपना अंगली क्यों काउंट कर रहा? ये नहीं काउंट कर रहा। तो हाँ, तुम यहाँ क्यों बैठा है? चलो उधर बैठना। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुमको बारिश मौसम जब करता है, बिजली गड़कता है, तो समर को बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए समर बाहर जाना पसंद नहीं करता। सारा सामान फिर से यहाँ पे घुसा रहे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने लगा, तो नीचे अगर बिछा के सोएंगे तो कीड़ा मकोड़ा घुस जाएगा, तो कार टूट लेगा। तो इसी के चलते सारा सामान इसमें जैसे था वैसे रख दे रहे। तो गाइज मेरे हस्बैंड जी भी इधर थोड़ा रूम जल्दी जल्दी खाली कर दे रहे, सारा सामान निकाल निकाल के उधर पापा को देते जा रहे हैं। तो हाँ समर बोलिए आप।
जब शुरू में तब फूल रहा था तब हम ही ज्यादा किए। ओ तुम ज्यादा काम किया है ना, ये सब हम ही रख रहे थे वहाँ। ओ सारा सामान उमान रख करके पैक हो गया है और पापा गद्दा उद्दा लगा करके बेडशीट बिछा दे रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड जी तकिया उकिया लेके खड़े हैं। तो गाइस बारिश उरिश हो गया खत्म, फिलहाल अभी मौसम ही किया हुआ है, इवान सो गया है, तो चले इसको सुलाने के लिए।